वज़ीर-ए-आज़म को बेलगाम इख्तियारात नहीं, आवाम का ट्रस्टी है। दोस्ती पर मामलात नहीं चलेंगे, कौमी मुफाद पर चलेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार, जुल्फी बुखारी के रवैये पर सख्त इजहार बरहमी। अपना गुस्सा घर छोड़ कर आए, आप किसी और के दोस्त होंगे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। चीफ जस्टिस का जुल्फी बुखारी से मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते, हम तय करेंगे। मामलात आइन के तहत चल रहे हैं या नहीं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। जुल्फी बुखारी की किस अहलियत की बुनियाद पर तकरूरी की गई, किसके कहने पर समरी तैयार हुई। आला ओहदों पर अकरबा परवरी नजर नहीं आनी चाहिए, ना बंदर बांट हो, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुआवन खसूसी का तकरूर करना वजीर आजम का इख्तियार है, वजीर आजम तो बराक ओबामा से भी मशवरा कर सकते हैं। वकील एतजाज अहसन, ये अहम नोयत का केस है, चीफ जस्टिस। केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। जुल्फी बुखारी की अहलियत और तमाम बायोडाटा तलब। ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन की दरख्वास्तों पर समाअत। ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक मुराद कहाँ है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। ईडन हाउसिंग स्कीम के मालिक मुराद ने सरेंडर कर दिया, डीजी नैब। खुदा का वास्ता है, लोगों के लिए सहूलतें पैदा करें, क्यों अपनी फैमिली को मुश्किल में डाल रहे हो, क्यों 33,000 लोगों की बददुआएं ले रहे हो। चीफ जस्टिस का ईडन के मालिक से मुकालमा। डीएचए के एडमिन ऑफिसर सज्जाद अहमद, ईडन के मालिक और डीजी नैब, 5 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की हालत इजहार का नोटिस ले लिया। यूसीएच का बड़ा नाम होता था, कल 3 बजे अस्पताल का दौरा करूंगा। मसीही बरादरी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें महरूम किया जा रहा है, अस्पताल को ठीक किया जाएगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बोर्ड ऑफ कमीशन हेल्थ केयर के अराकीन के तकरर का मामला। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा को किस बुनियाद पर इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को कल रिकॉर्ड्स में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का कटास राज मंदिर के तालाब को पानी से भरने का हुक्म। पानी टैंकर से ले जाना पड़े फिर भी तालाब भरा जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सीमेंट फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले पानी की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। पंजाब असेंबली सेनेट का ज़मीनी इलेक्शन, पीटीआई ने दोनों नशस्तें जीत ली। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल और सेमी एज़दी सेनेटर मुंतखब हो गए। वलीद इकबाल 184 वोट, साउद मजीद 176 वोट, 7 वोट मुस्तरद। सेमी एज़दी 183 वोट लेकर कामयाब, उनके मद्द मुकाबल सायरा अफजल तारड़ को 175 वोट मिले। वुमेन नशस्त पर 9 वोट मुस्तरद करार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे, गवर्नर हाउस में मुनाकिदा इजलास की सदारत करेंगे। सदर आरिफ अलवी से अरकान असेंबली की मुलाकातें भी मुतवक्के। एंटी करप्शन मुकदमात में वज़ीर-ए-आला का इजाजत देने का इख्तियार का अलग-अलग करार। किसी भी वज़ीर-ए-आला से करप्शन मुकदमात में इजाजत लेने का इख्तियार गैर आइनी है। सियासी इजाजत लेना तो फौजदारी कानून की बुनियादी रूह से मुतसादिम है, अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की छानबीन, पार्लिमानी कमीशन की तश्कील पर एतराज। पार्लिमानी कमीशन की तश्कील के खिलाफ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली को अलग अलग खत। कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन नैब से मुलाकात, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए नैब लाहौर में हेल्प डेस्क कायम। पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चे के लापता होने का मामला, पुलिस 5 रोज गुजरने के बावजूद बच्चे का सुराग ना लगा सकी। 16 साल दानियाल पंजाब यूनिवर्सिटी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था। लेस्क्यू एयरलाइन सब डिविजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, पीर मंसूर गांव में 10 से ज्यादा घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई।
इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की याद, अलहमरा हॉल में अजीम शायर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फैज अम्न मेले का आज से आगाज। मुल्की और गैर मुल्की अदीब शायर मुसन्निफ और फनकार शरीक होंगे। सूबाई वजीर इत्तला'आत फियाजुल हसन चौहान से अदाकारा शबाना अजमी और अदीब जावेद अख्तर की मुलाकात। गुलदस्ता पेश किया। वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में शाम कलंदर, फनकारों के सूफियाना कलाम ने समह बांध दिया, तलबा झूम उठे।